वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो सरफेरा डे 3, इंडियन 2 डे 3 एंड कल की डे 18, तीनों की आज संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। दो मूवीज बॉलीवुड की एंड तमिल, सरफेरा एंड इंडियन 2, दोनों का आज फर्स्ट संडे है, कल की का आज थर्ड संडे है। देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। भाई साहब देखो, अभी तक मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं देखी। मेरी ये भाई साहब मतलब कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ वीडियो में अभी मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओपन करनी है, आपके साथ ही देखना है, तो रिएक्शन जो निकल कर आता है ना वो बड़े मजे का होता है। सो अभी मैं गाइस फुल होप लगा के बैठा हूं कि आज भाई साहब जो सरफेरा जो सरफेरा है वो अच्छा जंप लेगी। इंडियन 2 से भी उम्मीद है और कल की से तो कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले गाइस मैं आऊंगा इंडियन 2 पे। तो गाइस इंडियन 2 का सबसे पहले तो आज जो तमिल लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज 2D के अंदर मॉर्निंग में ऑक्युपेंसी आई 37% और आफ्टरनून में आई 55%, ओवरऑल बना 44। देख लो भाई, मैंने डे 1 पे बोला कि भाई ये फिल्म इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, शंकर ने पता नहीं क्या किया है, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। लेकिन उसके बाद भी तमिल जहाँ की ये फिल्म है, वहाँ की ऑडियंस अपनी फिल्म को कैसे सपोर्ट कर रही है, जस्ट ये चेक करो। कमल हसन के फैंस कैसे सपोर्ट कर रहे हैं ये देखो। भाई साहब अगर यहाँ पर बॉलीवुड की फिल्म होती और ऐसे रिव्यू आते, अगले दिन फिल्म भाई साहब गायब हो जानी थी। लेकिन अभी भी ये स्टिल बहुत अच्छी भाई साहब कलेक्शन कर रही है। खैर दोस्तों, इसके बाद मैं अगर आ जाऊँ हिंदी 2D पर, मॉर्निंग में 9%, आफ्टरनून में 16% की ऑक्युपेंसी, ओवरऑल बना ऑलमोस्ट 13%। और अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली 5 बज रहे हैं और अभी संडे शाम 5 बजे तक ये फिल्म 10 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन कर चुकी है। और आपको पता है ये डाटा 2 घंटे पुराना है, यानी कि 3 बजे तक ये फिल्म लगभग 10 करोड़ की नेट कलेक्शन कर चुकी है। ऑफ कोर्स आपको पता है पैन इंडिया फिल्म है। अब आते हैं भाई साहब किस पे, ऑफ कोर्स सरफेरा पे। तो सरफेरा का डे 3 भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, हिंदी 2D मॉर्निंग ऑक्युपेंसी आई 9%, आफ्टरनून में आई 28%। और अभी भाई साहब शाम के 5 बजे तक, 2 घंटे पुराने डाटा, यानी कि 3 बजे तक लगभग 3 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन हो चुकी है। अब डे 1 में आया था 2.5, डे 2 में आया भाई साहब 4.25 आई थिंक सो, या 4.50, यानी कि 4.5 करोड़ चलो पकड़ लेते हैं। तो गाइस मैं आज लगभग भाई साहब 5 करोड़ प्लस एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मुझे लगता है आएगा, क्योंकि अभी दिन के 3 बजे तक अगर 3 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है तो अभी अच्छे खासे घंटे रहते हैं। ऑल्दो आपको पता है कि संडे नाइट शो इतने अच्छे नहीं जाते क्योंकि अगले दिन मंडे होता है, तो फिर भी एक अच्छी होप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेरा भाई भाई साहब किसके ऊपर, ऑफ कोर्स कल्की के ऊपर। तो गाइस यहां पर मैं कल्की के डे 18 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताऊं, तेलुगु 2D मॉर्निंग 44, आफ्टरनून 73। ये भाई साहब फर्स्ट संडे है कि थर्ड संडे है भाई साहब। तेलुगु 3D मॉर्निंग 50, आफ्टरनून 78। उसके बाद हिंदी 2D, ओ यार भाई 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 दिस इज अलग लेवल यार। मॉर्निंग 29%, आफ्टरनून 51%। भाई आफ्टरनून पे 51% की ऑक्युपेंसी, हिंदी 2D में ओवरऑल बनी 40%। और अगर हिंदी 3D का बोलूं तो भाई मॉर्निंग 26, आफ्टरनून 59%। यार ये फिल्म कर क्या रही है भाई, मतलब कि देखो अगर मैं ये बोलूं कि दोनों मूवीज तमिल की इंडियन 2 लो और भाई साहब सरफेरा भी लो, उन दोनों की आज डे 3 की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाली है भाई साहब कल्की की, उतनी तो भाई साहब मैं बोलूंगा कि डे 18 पर हो जाएगी। और अगे अभी भाई साहब जो ऑक्युपेंसी भी है वो कुछ इस तरह से है कि कल्की ने अपना रिकॉर्ड बीट किया, यानी कि कल्की की आज डे 18 की हिंदी ऑक्युपेंसी कल डे 17 की हिंदी ऑक्युपेंसी को बीट कर रही है। तो ये तो भाई साहब एक अलग लेवल पर जा रही है। और अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आ जाता हूं तो भाई अभी 3 बजे तक का डाटा है, वीडियो 5 बजे बना रहा हूं लेकिन आपको पता है 2 घंटे पुराने और 3 बजे तक का डाटा है, तो जस्ट इमेजिन यार भाई 11 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन मेरा भाई। देखो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन 2 का डे 3 है और वो भी पैन इंडिया है और उसकी भी 10 करोड़ हुई है, और कल्की ने डे 18 पर अभी उसका रिकॉर्ड बीट कर दिया भाई साहब 11 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन। दिस इज मतलब कि मैंने जो मॉर्निंग में बोला था कि मे बी आज ये 15 करोड़ कर पाएगी या नहीं, तो भाई साहब नाइट शोज अच्छे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अगर इवनिंग शोज थोड़े से भी अच्छे गए थोड़े से भी, तो भाई साहब ये फिल्म 15 करोड़ की नेट कलेक्शन ठोकेगी। और अगर 15 करोड़ करती है तो भाई हमें और क्या चाहिए भाई साहब। कल देखो मंडे है, कल इस फिल्म का थर्ड मंडे आएगा, बहुत सी
है। अभी कल सरफेरा और इंडियन टू का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कल कल की कैसा परफॉर्म करती है। अब यहां पर मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं, ये जितने भी नल्ले क्रिटिक हैं जिन्होंने 2.5 स्टार दिए, जो कि डे वन से कल की को बदनाम करने की कोशिश में या प्रभास को गिराने की कोशिश में है, अब कल देखना, कल मंडे पर जो हिंदी कलेक्शन ड्रॉप लेंगी ना, क्योंकि ऑफकोर्स किसी मैं पागल से भी पूछू, बच्चे से भी पूछू, उसको पता है कि संडे की कलेक्शन भाई सब मंडे की कलेक्शन उससे मैं कहता हूं 100% डाउन होती है, बहुत ज्यादा डाउन होती है। तो ये नल्ले क्रिटिक्स देखना कल क्या करते हैं कि भाई साहब सरफेरा जो है वो तो 50% गिरी और कल की 70% गिर गई, देख लेना ऐसे भाई साहब ट्वीट या ना आए तो भाई साहब आप ना भाई मेरा नाम चेंज कर देना, बीएचटी रिव्यू का नाम चेंज कर देना, मैं ऐसा मैं मजा मैं आपको कोशिश करूंगा स्क्रीनशॉट भी दिखाऊं, इतने लेवल तक ये जा गए हैं। सो कहीं ना कहीं जो मैं अभी बोलता आ रहा हूं फिर बोलूंगा कि आज संडे पर भाई साहब जो अपनी किल फिल्म चल रही है बॉलीवुड की उसका आज डेट एंड है, उसका भाई साहब आज संडे पकड़ो, इधर से भाई सरफेरा का आज संडे पकड़ो, इंडियन टू का आज संडे पकड़ो, तीनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को हम प्लस करेंगे और उसके बाद भाई साहब हम कल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हिंदी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को प्लस करेंगे आज डे 18 की। मुझे बिलीव है कि कल की आज डे 18 पर भी उन तीनों मूवी से आगे होगी, दिस इज अलग रिकॉर्ड। और भाई अगर आज क्योंकि गाइस देखो आज मुझे लगता है कि पहले अगर 242 या 245 करोड़ तक गई है ये फिल्म, तो आज भाई साहब हिंदी कलेक्शन अगर मैं मिलाऊं तो लगभग 255-260 करोड़ तक जाएगी, मतलब कि 300 करोड़ की नेट कलेक्शन करने से इस फिल्म को कोई भी रोक नहीं सकता है। तो गाइस दैट्स व्हाई मैं बोलता हूं कि प्रभास की फिल्म को सोलो रिलीज करो, अभी सोलो रिलीज हुई, अच्छी डेट थी, देखो क्या तबाही आई। सो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लिटरली मैं खुद रोने लगी थी, बट मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने पहले भी देखी हुई, इसका ओरिजिनल पार्ट देखा हुआ है, कुछ ऐसे सीन्स थे, कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स थे जो उनको देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। आज वैसे कितने थे? बहुत ज्यादा, तो आई थिंक रिवील नहीं करना चाहिए, बट चिल्ड्रन फैंस तो प्लीज आके देखो, लास्ट में जो टाइमिंग से मजा आ जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन सेकंड न्यूज बफ में आपका स्वागत है, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डिलाइट सिनेमा जो कि पड़ता है दिल्ली में, और यहाँ होने वाले फिल्मी फ्राइडे, फिल्मी फ्राइडे वाले दिन आज है प्रेस शो सरफिरा का, जिसमें अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं, राधिका मदन नजर आने वाली है, तो मुझे लगता है ये हर लोग जो है ना मिडिल क्लास के उनके दिल को छुएगी ये फिल्म। मस्ट वॉच, 10/10, सूर्याज एंट्री वाज देयर, आई वुड गिव 10/5। हां, रियल स्टोरी और बहुत ही बहुत ही बहुत बढ़िया स्टोरी है। 5/5.5। अक्षय कुमार वाज टू गुड, राधिका रॉक्ड, 5/6/5/5। मैम कैसी लगी आपको, बेटी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, सुपर डुपर हिट, 500 करोड़। और अक्षय कुमार जी कैसे लगे? अक्षय तो बहुत बढ़िया, अक्षय का तो सुबह के टाइम से भाई। ओके चलिए, थैंक यू मैम, आई नीड टू ब्रिलियंट ब्रिलियंट इज इट ब्रिलियंट यस, ओके, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय अक्षय कुमार, राधिका मदन, एंड आई लव देयर परफॉर्मेंस।